अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बेबी फ्रॉक यानी कि फ्लोरल फ्रॉक की डिज़ाइनिंग। जो जितने भी ये फ्रॉक हैं तमाम के तमाम बहुत ही प्यारे हैं और बालून की तरह आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें बालून की तरह फुलावट हुई हुई है। ये सब सारा कमाल कैनकेन का है, जो एक हार्ड किस्म की नेट होती है वाइट कलर की। मार्केट में ये आम है, आप मार्केट में जाएँ तो उन्हें कहें हार्ड नेट दे दें, जो कि कैनकेन बनाई जाती है। कैनकेन मुख्तलिफ तरीक़ों से बनती है। आप मेरी वीडियो का चैनल का यानी कि मेरी वीडियो में विज़िट करें, चैनल का विज़िट करें, आपको उसमें दोनों तीनों तरह की कैनकेन बनाने का तरीका भी मिल जाएगा। एक राउंड शेप में बनती है, एक बेल की शक्ल में बनती है जिसे पैनल कटिंग कहते हैं। पैनल कटिंग में भी आप कैनकेन बना सकती हैं और इस कर्ड शक्ल में भी, दोनों तरह से बनती हैं। चाहे तो आप साथ फ्रॉक के अटैच कर लें, चाहे अलग से बना लें। वैसे ये मैक्सीज़ लहंगे और मुख्तलिफ ऐसे फ्रॉक जो हम फ्लावट करते हैं उनमें लगाई जाती है और अलग से भी बनती है। दोनों ट्रिक जो आपको बेहतर लगे आप कर सकती हैं। कैनकेन बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसके लिए आपको एक फ्लेयर की तरह यानी कि ऊपर की फ्लेयर से सेकंड फ्लेयर में थोड़े घूम ज़्यादा लेने होते हैं, थर्ड फ्लेयर में उससे ज़्यादा। तो इस तरीके से वो एक बेल की शक्ल में तैयार हो जाती है। व्यूवर्स, अगर आपको ये कैनकेन बनाने का तरीका सीखना तो आप ज़रूर मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत इजी लगेगी। और ये जितने भी फ्रॉक हैं ये बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्रॉक, बहुत इजी से भी हैं और कुछ मुश्किल भी हैं। लेकिन अगर आप सिलाई जानती हैं तो फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बिगनर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, जब वो सिलाई को स्टार्ट करते हैं तो उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम बनता है कि हम इनको कैसे स्टिच करें। वैसे इन फ्रॉकों की सिलाई आप चाहें तो मेरे चैनल में भी देख सकती हैं। इनमें से चंद फ्रॉकों की मैंने डिज़ाइनिंग अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई हैं, बालून फ्रॉक के नाम से, फेरी फ्रॉक के नाम से और फोल्डिंग फ्रॉक के नाम से। मुख्तलिफ नामों से मैंने इस टाइप के फ़्रॉक बनाए हुए हैं कैनकेन लगाने के साथ। अगर आपको इस टाइप के फ़्रॉकों की कटिंग स्टिचिंग सीखनी हो तो आप मेरे चैनल का विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत इजी से और आसान आसान से फ़्रॉकों के डिज़ाइन भी मिलेंगे, कटिंग स्टिचिंग भी मिलेगी। और बहुत इजी मेथड के साथ मैंने इन फ्रॉकों की कटिंग स्टिचिंग भी दिखाई हुई है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें फ़्रॉकों पर बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं है, क्योंकि ये नेट फैब्रिक है और नेट फैब्रिक पर आप कुछ भी, आजकल तो मार्केट में बहुत ही प्यारी प्यारी सी नेट आई हुई है। अगर आपने सिंपल नेट के फ्रॉक बनाने हो तो आप उस पर फ्लावर मेकिंग भी कर सकती हैं, यानी कि फ्लावर बनाकर बॉडी को खूबसूरत बना लें और अंदर की तरफ जो हमारा इनर होता है वो भी आप प्रिंटेड लगा सकती हैं फ्लावर वाला, उससे भी फ्रॉक बहुत ही प्यारा लगता है। वैसे मैंने आपको अपने चैनल में एक दो फ्रॉक ऐसी भी बनानी सिखाई हैं जिसमें मैंने फ्लावर्स को बालून की तरह अंदर की तरफ डालकर अटैच किया है, वो फ्रॉक बहुत ही प्यारे लगे हैं बच्चियों को पहनाकर। मैंने थंबनेल में बकायदा वीडियो के साथ अपने चैनल में वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको इंशाल्लाह बहुत इजी सिलाई लगेगी। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दुआओं में याद रखिए और ज़रूर कमेंट्स में बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।